हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, मैं सिस्टमेटिक एक्सरसाइज बता रही हूँ फुल बॉडी फैट बर्निंग के लिए। तो मैंने 3 एपिसोड बता दिए हैं आपको। फर्स्ट मैंने बताया था सिर से लेकर चेस्ट तक की, शोल्डर आर्म्स की। सेकंड मैंने बताया था आपको टमी की और कमर वगैरह साइड फैट की। और थर्ड मैंने बताया आपको लेग्स की, उसके साथ साथ टमी भी है और थाइस वगैरह इसके लिए, ठीक है। अब मैं आज 4th एपिसोड बनाने जा रही हूँ। अब अपन सिटिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो 4th एपिसोड में आती है सिटिंग एक्सरसाइज। सिटिंग एक्सरसाइज में बहुत सारी बनती हैं, मैंने अलग अलग बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, लेकिन मैं एक सीक्वेंस जो चल रही है उसके तहत मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ। थोड़ी बहुत बताऊँगी, 4-5, बाकी आप मेरी सर्च करेंगे जो है बैठे बैठे फैट कैसे कम करें, फैट बर्न करें, उसके लिए बहुत सारी मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं। तो वो आप अलग से और देख लें, आपको उसमें से कोई सी हो तो वो वाली उठा के सेव कर लें अपने पास और उससे करें, ठीक है। लेकिन मैं भी आपको एक बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले सिटिंग में देखिए ये पैर आगे रख लीजिए। देखिए, इसमें भी वार्म अप करना जरूरी है जो मैं आपको बताती रहती हूँ, क्योंकि इसमें भी पेट पे भी वर्क आएगा, लोड आएगा, ठीक है, इफेक्ट आएगा, पैरों पे आएगा, इसलिए आपका कुछ खिंचाव ना आए कहीं पे, स्ट्रेस ना आए, इसके लिए आपको वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जॉगिंग कम से कम 5 मिनट्स, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक पैर को यहाँ टच कर लीजिए अपने थाई पे और दूसरा पैर लंबा कर लीजिए। अब इस पैर को पकड़ लीजिए आप और थोड़ा सा डाउन, ये वाला हाथ आपके इस पे रख लीजिए जांग पे और ऐसे से करना आपको। देखिए, सिर्फ एल्बो को नीचे डाउन करना है तो आपकी बॉडी अपने आप आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसको कम से कम आप 1 मिनट कर लीजिए या 20 टाइम्स कर लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा, 20 टाइम्स हो जाएगा 1 मिनट में। वैसा ही आप अदर लेग से कर लीजिए। देखिए, बहुत सी लेडीज डिमांड कर रही थी कि हमें सिस्टमेटिक पूरी एक्सरसाइज भेजिए, तो कैसे करते हैं, जैसे आप योगा क्लास में करवाती थी 1-1.5 घंटे की एक्सरसाइज, तो उस हिसाब से मैं ये एपिसोड तैयार कर रही हूँ। तो ये आज का अपना 4th एपिसोड है। ये कर लिया, अब उसके बाद आप दोनों पैर ऐसे रख लीजिए लंबे करके और दोनों पैरों को अपनी साइड खींच के रखिए, मोड़ के पंजे और फिर इनको आप टच कर लीजिए। देखिए, अगर आप यहाँ तक टच ना कर पाए तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं और वही पोजीशन करना है जो आपने सिंगल लेग से करी है। एल्बोस को नीचे डाउन करना है और अगर आप ये पकड़ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे करके कर लीजिए। देखिए, इसमें आपके फुल बॉडी फैट बर्न हो रहा है, कंधे से लेके कमर, पेट, थाइस, हिप्स सब जा रहे हैं, ठीक है। ये कर लिया, अब एक आसन चक्की चालनासन बहुत अच्छा है, जैसे पुराने जमाने में घट्टी चक्की जो चलाते थे वैसे। इसमें आपको क्या करना है, एड़ी थोड़ी सी बाहर निकाल के रखना है और इनको डाउन करके रखना है, ऐसे नहीं रखना है पैर, पैरों को ऐसे रखना है, ठीक है, इनसाइड मोड़ के, है ना, और ये पंजे अपनी साइड झुका के। अब इसमें देखिए, आप ऐसे हाथों को बांध लीजिए, पहले इस पांव के ऊपर ले जाइए, फिर घुमाते हुए इस पैर के ऊपर, फिर पीछे ले जाइए, फिर ये, ठीक है। ये कर लीजिए आप 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, फिर इसका अपोजिट कर लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, ये भी 10 टाइम्स। देखिए, इससे जो लेडीज का है ये पूरा पूरा शेप बनता है, प्लस आपकी पेल्विक एक्सरसाइज जरूरी, पेल्विक एक्सरसाइज में आपके लोअर एब्डोमन वाली सारी बीमारियां कवर होती हैं, जिनमें डायबिटीज और जो है आपके स्टोन की प्रॉब्लम, किडनी में पथरी बनना और जो है आपको पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम, सूसू की प्रॉब्लम, जो जिसको यूरिन बार बार पास होता है, जल्दी जल्दी से कंट्रोल नहीं होता है, वो भी सारी इसमें, ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज ही है, तो इसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो ये बहुत अच्छा है, डाइजेशन सुधारने के साथ साथ आपके पेंक्रियास को मजबूत करती है, आपके किडनी को मजबूत करती है, आपके लीवर को मजबूत करती है, और फैट बर्न तो है ही पूरी बॉडी का, क्योंकि पूरी बॉडी वर्क करेगी, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अपोजिट ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब इसमें एक और ऐसे ही पोजीशन में आपको एक और करना है, ये वाला हाथ इधर टच कर लीजिए। इसमें देखिए, आपकी बॉडी इधर टर्न हो रही है और बॉडी आपकी नीचे लोअर बॉडी स्ट्रेट रखी हुई है, तो देखिए इधर फिर इधर,
इधर इधर, और जो पीछे हाथ जा रहा है आपको उसको देखना है, ठीक है। तो ये देखिए पोजीशन आपकी बनी वेट लॉस वाली। तो फ्रेंड्स ये हुई एक और एक्सरसाइज, इसमें भी आप 10 टाइम्स इस लेग पे करेंगे, 10 टाइम्स इस लेग पे, कम से कम 20 करना आपको जरूरी है, फिर अपने हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट देख लीजिए, वैसे ही बैठे रहिए आप, पैर को ऐसे पकड़ लीजिए दोनों हाथ डाल के थाइस पे से, ठीक है। अब इस पैर को आपको अप डाउन करना है कम से कम 1 मिनट। देखिए आपके घुटनों की मजबूती के लिए भी बहुत अच्छी है, प्लस थाई फैट जा रहा है इससे और काफ का जा रहा फैट, और मसल्स स्ट्रांग हो रहे हैं। फिर इसको साइड बाय साइड कर लीजिए, अब इसको सर्कल घुमा लीजिए। ये आपकी एक एक मिनट की तीनों बनेगी, यानी 3 मिनट तक आपको करना है एक ही पेड़ से। अपोजिट सर्कल घुमा लीजिए, अब दूसरे लेग से सेम कर लीजिए, अप डाउन सबसे पहले। बहुत अच्छा है लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, लेग्स के टिश्यूज मसल्स टाइट करने के लिए, उन्हें फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। साइड बाय साइड लेग्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इसमें, पेट बर्न से लेके तो कोई सा भी पेन, साइटिका तक इससे ठीक हो सकता है। सर्कल क्लॉकवाइज, सर्कल एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, दोनों पैरों को ऐसे रख लीजिए, थोड़ा सा एक बालिश खोल के, एक बालिश आपके बीच में गैप रहे। अब दोनों हाथ यहाँ पीछे रख लीजिए और दोनों पिंडलियों को पटकना है। देखिए बहुत से लोग नहीं जानते हैं, यहाँ पे आपकी जो नीचे वेंस है इसमें गैस भरी होती है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो पूरी बॉडी में फैलती है वो, और जॉइंट्स पेन करती है, वेंस का दर्द करती है। तो देखिए अगर आपकी टाइट है बहुत ज़्यादा मसल्स यहाँ के, तो समझिए कि आपको वाली प्रॉब्लम है, तो उससे पिंडलियाँ दर्द भी करती हैं और आपके इनडाइजेशन रहने से गैस आपके पेट में रुकने की वजह से आपका मोटापा भी बढ़ता है। तो ऐसा करने से आपकी एक्स्ट्रा जो गैस बन रही है वो सारी रिलीज हो जाएगी और आपकी पिंडलियाँ नरम हो जाएंगी, जिससे आपका फैट भी बर्न होगा। इसको आप बैठे बैठे खाने के बाद भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है ये। ये कर लिया, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब दोनों हाथ ऐसे रखेंगे आप, दोनों पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छी पोजीशन है, एकदम से आपका बेली फैट इससे कम होता है। ये मैं लेटे लेटे भी आपको करके बताऊंगी, इसके बाद मैं लेट के करने वाली बताऊंगी आपको। इसमें घुटने सीधे, पंजे अपने साइड झुके हुए रहेंगे, ठीक है। आप नेक्स्ट कर लीजिए, इसी में दोनों पैर उठा के एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। ये थाई फैट के लिए बहुत अच्छी है, हिप्स फैट के लिए बहुत अच्छी है, बेली फैट के लिए बहुत अच्छी है। कम से कम 1 मिनट तक कीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट ये वाला पांव इस थाई के ऊपर रख लीजिए, ठीक है, और हाथ दोनों ऐसे ही रहेंगे और इस पैर को आपको उठाना है। देखिए उठा के आपको अप डाउन करना है, अप डाउन ना कर पाए तो वैसे ही रख लीजिए, आपको रखते ही पता चलेगा ये वाली थाई पे कितना इफेक्ट आ रहा है। इफेक्ट आने के बाद वो कम होगी अपने आप, ठीक है। जो सा पार्ट पे आपके इफेक्ट आएगा वो वर्क करेगा, वर्क करने से फैट कम होगा, उसका फैट बर्न होगा। अब देखिए ये वाला पैर इसके ऊपर रख लीजिए और इस पैर को उठा लीजिए, बस ज्यादा नहीं उठाना आपको, सिर्फ 1-1.5 फीट तक उठाना है। अब अप डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब इसमें नेक्स्ट कर लीजिए हाफ बटरफ्लाई, ये पैर उठा के इसके ऊपर रख लीजिए और इसको घुटने को आपको नीचे करना है। ये भी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी है लेडीज के लिए। अब यही चीज इसमें कर लीजिए, ये वाला पैर इसके ऊपर रख लीजिए उठा के और इस पैर को नीचे टच करने की कोशिश कीजिए।
अब इसके बाद फुल बटरफ्लाई कर लीजिए, इसमें दोनों पैरों को ज्वाइन कर लीजिए, अपने पास खींचिए और दोनों पैरों को आपको हिलाना है। देखिए जरूरी नहीं है कि नीचे टच कर पाए आप, क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस नहीं है तो मैं भी नीचे टच नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आपको सिर्फ ऐसे ऐसे इसको हिलाना है, उससे आपका थाई फेट जाता है, वो जो है आपकी काफ का फेट जाता है, साइड का फेट जाता है, बेली फेट जाता है और हिप्स फेट कम होता है। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया, ये भी आप एक एक मिनट तक कर लीजिए। अब इस पैर को अपनी साइड ले लीजिए और इस पैर को ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ के ये वाला हाथ यहाँ रखेंगे और इसको ऐसे ऐसे आपको झुलाना है। देखिए आप जो सी भी एक्सरसाइज करेंगे आपको खुद उसका इफेक्ट पता चलेगा, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज है आपकी फुल बॉडी का फैट बर्न करने के लिए। अगर फैट नहीं है आपकी बॉडी में तो बॉडी आपकी टोन होगी, ठीक है, उसमें एनर्जी मिलेगी, पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी आपकी बॉडी। देखिए एक बार फ्लेक्सिबल हो जाती है तो बहुत ज्यादा आपको उसके फायदे हैं, आपको चोट नहीं लगती है, कहीं भी घाव वगैरह होता है तो जल्दी से भर जाता है, इंजरी जल्दी भरती है, वो जो है आपको बहुत अच्छा, आप गिर जाते हैं तो नहीं लगती है, फ्रैक्चर नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं फ्लेक्सिबल बॉडी की, इसीलिए कहते हैं कि एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। अब देखिए इसमें ये वाला हाथ यहाँ रख लीजिए, इस हाथ से इसको पकड़िए, वही पोजिशन पीछे ले जाइए, ठीक है, ये कर लिया। अब इसके बाद आप थोड़ा सा उत्कटासन कर लीजिए, उत्कटासन उकड़ू बैठना जिसे कहते हैं, दोनों पैरों पे बैठ जाइए ऐसे ऐसे करके, ये पोजीशन बहुत अच्छी है आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छी है ये। अगर आप सुबह में बिस्तर से उठ के सीधे ऐसे नीचे बैठ जाते हैं और एक गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो एकदम से आपको फ्रेश हो जाते हैं, आपको मोशन एकदम बन जाता है। इसमें आप बैठ जाइए, ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत सारी अपन ने बता दी है आज। अब देखिए एक और इसमें देख लीजिए आप, थोड़ा सा ये थोड़ी सी टफ है, देखिए इसमें आप ऐसे बैठ जाइए, ठीक है, दोनों पाँव पे वज्रासन की पोजीशन में, हाथों को ऊपर ले जाना है आपको, ब्रीथ इन करना है फिर नीचे आना है वापस से सांस छोड़ते हुए। देखिए ऐसे खड़े होना है आपको, साइड से देख लीजिए, आप ऐसे बैठ जाइए, फिर देखिए ऐसे करके आपको खड़े होना है स्टैंड, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए डाउन, ये करना है आपको कम से कम 20 टाइम्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गई है बैठे बैठे की एक्सरसाइज, इसे आप कीजिए, अपने रूटीन में शामिल कीजिए, इसमें से जो अच्छी लगे वो कीजिए, और भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं वो भी आप सर्च कर सकते हैं बैठे बैठे की सिटिंग एक्सरसाइज के नाम से, और अगर आपसे नीचे नहीं बैठा जाता है तो आप इसमें से जो भी पॉसिबल हो चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं, चेयर एक्सरसाइज भी मैंने डाली हुई है। तो फ्रेंड्स देखते रहिए मेरी चैनल, मिलते हैं 5th एपिसोड में, ये था 4th एपिसोड, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते रहिए मेरी चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।